CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. सुरक्षा कर्मी ईश्वर बोरकर हत्याकांड में लिप्त कुख्यात आरोपी लखन हिरनवार के परिजनों द्वारा मामले के गवाह पर जबरदस्ती दबाव डालकर पैसों का लालच देकर उसको हत्या की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। सीताबर्डी पुलिस ने लखन के पिता के परिजनों के इशारे पर इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार धर्मपेट के VIP मार्ग पर 26 मार्च की तड़के चंद्रपुर निवासी 22 वर्षीय ईश्वर बोरकर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अनीश उर्फ डिम्पी हिरनवार को गिरफ्तार किया था। वारदात के सूत्रधार लखन गज्जू हिरनवार और उसके एक साथी ने खुद को नाबालिग बताया था। लोकमत समाचार द्वारा किए गए खुलासे के बाद सीताबर्डी पुलिस द्वारा जाँच किए जाने पर लखन के पिता गज्जू द्वारा आधार कार्ड पेश कर बेटे को नाबालिग बताए जाने का पता चला। स्कूल की TC से लखन के बालिग होने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर धड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता था, लेकिन जांच अधिकारी ने संदिग्ध भूमिका अपनाते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, केवल लखन को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर ली। पुलिस को गुमराह करने की योजना फेल हो जाने से वे लखन की हत्या प्रकरण की शिकायतकर्ता और गवाह को होस्टाइल कराने में जुट गए। सूत्रों के अनुसार लखन के पिता गज्जू के आरोपी सचिन महरोलिया से पुरानी पहचान है। उसने सचिन को चंद्रपुर निवासी शिकायतकर्ता और गवाह को होस्टाइल करने का काम सौंपा। सचिन ने उनसे संपर्क किया, उन्हें पहचान परेड में ही आरोपियों को शिकायत नहीं करने को कहा। ऐसा करने के बदले में 10 लाख रुपए देने, वरना धमकाते हुए तुम्हारी भी विकेट गिरा देंगे बोला। इस धमकी से शिकायतकर्ता और गवाह घबरा गए। उन्हें मंगलवार को सचिन सूमो में बिठाकर नागपुर ले आया। अदालत और जेल में आरोपियों की पहचान परेड रखी गई थी। सूत्रों के अनुसार वहां आरोपियों को देखने के बाद शिकायतकर्ता और गवाह मुकरने लगे। यह देखकर सीताबर्डी पुलिस भी चकरा गई। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलांस और CCTV फुटेज की जांच की। इसमें सभी के सचिन के संपर्क में होने का पता चला। पुलिस ने भरोसे में लेकर शिकायतकर्ता और गवाह से पूछताछ की तो उन्होंने सचिन की धमकी से भयभीत होना बताया। पुलिस ने तत्काल सचिन महरोलिया को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। इसकी भनक लगते ही गज्जू फरार हो गया है। सचिन उसका मोबाइल भी गज्जू के पास होने का बता रहा है। ईश्वर बोरकर याचा खून मागील महिन्यामध्ये बोले पेट्रोल पंप या ठिकाणी झाला होता। त्यामध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता आणि त्याच्यामध्ये आरोपींना अटक करण्यात आली होती। आरोपींना अटक केल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांना ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये होते व त्यांची ओळख परेड घ्यायची होती। सदर गुन्ह्यातील काही साक्षीदार हे चंद्रपूर या ठिकाणी राहणारे आहेत, तर त्यांना दिनांक 2 रोजी मध्यवर्ती कारागृह या ठिकाणी ओळख परेड होती, त्याकरता त्यांना बोलवण्यात आले होते। त्या दरम्यान यातील आरोपी मेहरोलिया, सचिन मेहरोलिया हा चंद्रपूरला त्यांच्या घरी गेला आणि त्यांनी त्यांना धमकावून ओळख परेडमध्ये आरोपींना ओळखू नका, ओळखलं तर त्याच्यामध्ये जीवानीची ठार मारू अशा प्रकारची धमकी त्यांनी आरोपींना दिली, यातील साक्षीदारांना दिली। त्यामुळे व त्यांना जबरदस्तीने नागपूर या ठिकाणी आणले। याबाबतीत ओळख परेडमध्ये त्यांनी आरोपींना ओळखले नाही घाबरून, आणि त्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन याच्याबाबतीत तक्रार दिली। यावरून गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे व त्याच्यामध्ये सचिन मेहरोलिया या आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये रिमांड मिळालेला असून याच्यामध्ये आरोपीकडे अधिक चौकशी चालू आहे व त्याने कोणाच्या सांगण्यावर धमकावले किंवा इतर बाकी त्याच्यामध्ये कोण साथीदार आहेत याचा शोध चालू आहे। याच्यामध्ये एकूण 3 आरोपी होते, त्याच्यामधला एक नाबालिग आरोपी होता व इतर 2 आरोपी हे बालिग होते ज्यांना आता सध्या मॅजिस्ट्रेट कस्टडीमध्ये आहेत। याच्यामध्ये अधिक तपास चालू आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN News, नागपुर। एनरोल नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल